so please understand there are certain points to be taken care of I am assuming that you have covered concept plus question at least once or twice so please don't try to substitute these revision lectures as study lectures detailed वाले भी मेरे जो available है videos उसके साथ compare मत करना क्योंकि ये revision lectures है study lectures नहीं है clear है तो questions पे हम ज़्यादा focus नहीं करने वाले concepts जो है मैं assume कर रहा हूँ आप एक बार दो बार कर चुके हो so that you are able to grasp the concepts विद स्पीड एंड विद विच द रिविजन लेक्चर विल बी कंडक्टेड क्लियर सेकेंड इसके साथ साथ एमसीक्यू जरूर आपको करने कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर दैट एस वोलिम्पिक क्लासेस फॉर सी ए फल लॉ सर्च कर लो नहीं तो डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएंगे कंपनी लॉ भी हमारा चल रहा है चार से पांच एमसीक्यू डेली कवर किए जा रहे हैं टॉप लेवल एमसीक्यू सो ज्वाइन दैट वहां पे गलतियां होंगी मुझे ऑलरेडी पता है, कर है नहीं कर इसके साथ साथ आपको की जरूरत लग रही है यू कैन रेफर माई बुक्स या फिर अगर लग रहा है कि क्लासेस में कई मिसिंग था एंड इफ यू वॉन्ट माई क्लासेस आप कंसिडर कर सकते हो यू कैन गो एंड चेक अवर वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट एस वालिम्बे क्लासेस डॉट कॉम स्पीड काइंडली अंडरस्टैंड धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट समझा के क्लास में तो हम नोट्स को छोड़ के अपनी एक राइटिंग पे भी जाते हैं जो मैं हैंड रिटन नोट्स देता हूं तो वो सब नहीं हो पाएगा प्लीज अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ दिस रिविजन लेक्चर तो स्पीड थोड़ी सी रहेगी एंड यू हैव टू एबल यू यू शुड बी एबल टू ग्रास्ट द कंसेप्ट इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपने एक बार कर रखा है उसके सिवाय कोई भी जनरल क्वेरी आती है स्टडी क्वेरी आती है यू कैन जस्ट पिंग मी ऑन नाइन फाइव सिक्स जीरो फोर थ्री सिक्स नाइन वन जीरो व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर लेना कॉल कर सकते हो बट थोड़ा बहुत हो जाता है कि टाइम मैच करना सो इट्स प्रेफरेबल दैट यू मैसेज एंड इफ डिसाइडेड देन वी कैन हैव अ वर्ड ऑन कॉल नॉट एन इशू एंड पिछली बार में हमेशा ट्राई करता था कि लेक्चर्स एक अटेम्प्ट स्पेसिफिक आए राइट एंड उसका आप उसी टाइम इस्तेमाल करें बाद में उस पर रिलाई ना करें क्योंकि फिर आपकी स्टडी इंपैक्ट कर जाती है तो मैं रिविजन लेक्चर्स रखता था कुछ हटा देता था बट बहुत स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है तो इस बार डोंट वरी रिविजन लेक्चर्स विल स्टे ऑन यूट्यूब कोई दिक्कत नहीं है यूट्यूब पे ही रहेंगे टेंशन मत लेना जब मन करे तब देख लेना एग्जाम तक एग्जाम डे तक एग्जाम डे के बाद जब भी आपका मन है क्लियर स्कोप क्लियर है स्टार्ट करें ये इंट्रोडक्शन पार्ट सब में रहेगा राइट एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर रिविजन ओके लेट्स स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्स प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट दो मिनट लगाएंगे हेडिंग के ऊपर ऑपरेशन मतलब किसी को ऑपरेस करना किसी की राइट दबाना मिसमैनेजमेंट मतलब सर मैनेजमेंट सही से काम करना मिसमैनेजमेंट मतलब गलत तरीके से मैनेजमेंट करना इस चीज का प्रिवेंशन करने के ऊपर यह चैप्टर है मेनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री सेक्शन टू फोर्टी वन टू फोर्टी फोर टू फोर्टी फाइव टू फोर्टी वन में एप्लीकेशन जाती है

एगा कोर्ट उसके बीच में नहीं पड़ेगा व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ मेजोरिटी रूल अनप्रोडक्टिव लिटिगेशन पता चले केस कोर्ट uh, अपना टाइम लगाए और उसके बाद मेजोरिटी कुछ और चाहे तो फिर वो केस का सारा टाइम जो भी कोर्ट ने इन्वेस्ट किया वो वेस्ट हो जाता है एंड प्रॉपर प्लेंटिव इज द कंपनी की माना शेयर होल्डर्स को इसके अंदर शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ था बट ड्यूटी जो थी डायरेक्टर्स की वो कंपनी की तरफ थी नॉट टूवर्ड्स द शेयर होल्डर हेंस नुकसान हुआ लेकिन सर प्रॉपर प्लेंटिव शेयर होल्डर्स नहीं प्रॉपर प्लेंटिव कंपनी है तो कंपनी के अगर मेजोरिटी लोग चाहेंगे केस फाइल करना है तो ये केस फाइल किया जाएगा

टेन परसेंट वो का मैक्सिमम हमने अलाउ कर दिया था उनको कि भैया आप जाके ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन फाइल करो स्मॉल शेयर होल्डर्स हम इस वाले में पढ़ेंगे होल्डर्सेंगे इन्वेस्टिगेशन वाले में पढ़ा था ट्रिब्यूनल टू फोर्टी फाइव क्लास एक्शन इन सब जगह आप पढ़ोगे कि कहीं पर भी फिफ्टी वन परसेंट की बात नहीं होती बल्कि हम कुछ स्पेसिफाइड परसेंटेजेस बताते हैं स्पेसिफाइड नंबर बताते हैं एलिजिबिलिटी बताते हैं विच इज नॉट मेजोरिटी क्लियर एंड अदर राइट्स फॉर एग्जांपल सेक्शन 97 का अगर डिफॉल्ट हो जाए एजीएम वाले में तो वन मेंबर एनी मेंबर कैन आल्सो गो एंड अप्लाई टू द एनसीएलटी की भैया एजीएम रखवानी है अब बात करते हैं सर मेन सेक्शन सेक्शन 241 एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल इन रिलीफ ऑफ केसेस ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट एक्सेट्रा ये एक बच्चा है ये हो आप बहुत परेशान है ये बच्चा मैंने कहा कौन है भाई तू और तेरे को क्या दिक्कत है ये है मेंबर ऑफ द कंपनी जो कंप्लेन कर रहा है कि अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन और आर मतलब करंटली या पास्ट में कंडक्ट करे गए इन मैनर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट प्रीजुडिशियल और ऑपरेसिव टू हिम और एनी अदर मेंबर और मेंबर्स और प्रीजुडिशियल इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी मतलब खुद कंपनी के अगेंस्ट भी या फिर या तो तेरी ये कंप्लेंट है या फिर तू कह रहा है देर इज सम मटेरियल चेंज मटेरियल चेंज मतलब नॉर्मल चेंज नहीं है मटेरियल चेंज है बड़ा चेंज है और ये बड़ा चेंज ये वाला नहीं होना चाहिए ये वाला होना चाहिए सर क्या नहीं होना चाहिए इट शुड नॉट बी एनी चेंज ब्रॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स डिबेंचर होल्डर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स क्योंकि ये तो ये तो तो नॉर्मली होता रहेगा इसके अगेंस्ट आप कंप्लेट नहीं फाइल करोगे लेकिन सर ये चेंज कौन सा है विच हैज टेकन प्लेस इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी बाय ईदर ऑल्टरेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजर ओनरशिप और इफ नो शेयर कैपिटल मेंबरशिप मतलब ये असली लोग हैं जो कंपनी को संभाल रहे हैं इनके अंदर मटेरियल चेंज हुआ एंड इसका इंपैक्ट क्या आया है इसका इंपैक्ट क्या है कि इट इज लाइकली मतलब आगे जाके ऐसा लग रहा है दैट अफेयर्स विल बी कंडक्टेड इन अ मैनर टू इट्स मेंबर्स और खुद कंपनी के इंटरेस्ट और एनी क्लास ऑफ मेंबर तो मतलब फ्यूचर में ऐसा होने वाला है तो अगर तेरी कंप्लेंट है ए और बी तो तू जाके ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन फाइल कर प्रोवाइडेड एलिजिबल अंडर सेक्शन टू फोर्टी फोर अच्छा सर अगर यही एप्लीकेशन ऐसी सकती है क्या ये yes, अगर सीजी को लगता है किस ऑफ दर बी कंडक्टेड इन अ मैनर प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा यहाँ पे बोला है आर बींग कंडक्टेड तो हैव बिन यहाँ पे वर्ड यूज नहीं किया एक्सक्लूसिवली पास टेन से यहाँ पे कवर नहीं किया सर पेपर में इतना ध्यान रखा रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हैव हैव नहीं दिया यहाँ पे दिया पे है दे सकते हो देखो जब समझ आ रही है चीजें कि अब लॉ में एक में इंटरप्रिटेशन का खेल है एमसीक्यूज पता नहीं क्या पकड़ ले तो लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट ठीक है मैं बैठा हूं ना आपको करवाने के लिए ओके सो सीजीपी एप्लीकेशन फाइल कर सकती है कि भैया जाके ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन करवाओ इस चीज की एंड uh, एक स्पेसिफिक केस है सबसेक्शन थ्री में जिसमें सीजी को लगता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट फिट और प्रॉपर Is not fit and proper, और नहीं and, मतलब दोनों फिट एंड प्रॉपर फॉर सर्टन फंक्शन इन द कंपनी ठीक है अब सर ये सीजी का ओपिनियन बना क्यों बना बिकॉज देर एग्जिस्ट सर्टन सरकम स्टांसेस ए बी सी डी इसमें सारे गलत काम है कि that person concerned is involved in fraud,

इसकी मेरे को पता है मैं बोल भी दूंगा तब भी आप एक एक वर्ड नहीं याद कर पाओगे इसीलिए जो हाईलाइटेड है उतना आपको लर्न करना है बाकी लैंग्वेज आप अपनी बना सकते हो अब अगर ये सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जरूरी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में इनिशिएट अ केस अगेंस्ट सच पर्सन सच मतलब जिसके ऊपर शक है कि वेदर दिस इज फिट एंड प्रॉपर और नॉट एंड रेफर द सेम टू दिब्यूनल और उसका ऑफ डायरेक्टर of और एनी अदर ऑफिस ये बच्चे भूल जाते लिखना एनी अदर ऑफिस भी आपको लिख के आना है क्योंकि सर अगर फिट एंड प्रॉपर नहीं हुआ तो ना ही डायरेक्टर होल्ड करना चाहिए डायरेक्टरशिप होल्ड करनी चाहिए ना ही कोई और ऑफिस होल्ड करना चाहिए है और सिर्फ उस कंपनी के रिस्पेक्ट में नहीं अगर बंदे में खोट है अगर बंदे में ही दिक्कत है एंड इफ द पर्सन इज नॉट फिट एंड प्रॉपर तो किसी कंपनी में उसको होल्ड करना अलाउ नहीं करेंगे इसलिए आगे ध्यान दे एनी अदर ऑफिस कनेक्टेड विथ कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी नॉट द कंपनी प्लीज प्लीज ध्यान दे द कंपनी बोलता तो उस कंपनी में जहां पे वो भी अपॉइंटेड है वहां पे मैं उसको मना करता द एनी कंपनी लिख दिया क्यों? बिकॉज सर पर्सन में ही दिक्कत है कहीं पे भी जाएगा तो गंद में जाएगा इसीलिए द कंपनी ठीक है अब जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया ही विल बी द रिस्पोंडेंट वेरी ऑब्वियस सीजी जब भी एप्लीकेशन फाइल करती है एक कंसाइज स्टेटमेंट फाइल एक कंसाइज स्टेटमेंट देना पड़ता है कि भैया आपके केस में आप क्या है क्या रहे हो एंड इट शल बी साइंड एंड वेरीफाइड एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर प्रोसीजरल कंप्लाइंस होते हैं नोट को छोड़ो इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन 244 राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241 241 में एक अकेला इंसान जाके एक शेयर है जिसके पास वो नहीं बोल सकता कि मेरे अगेंस्ट ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हुआ है यू हैव टू हैव हैिमिनेट

क्लियर है बात ओके okay. अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो मिनिमम वन बाई फिफ्थ ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। सर, अगर कोई ऐसा केस बनता है जिसके अंदर केस बहुत जोरदार है लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पा रहा है तो क्या ट्रिब्यूनल वेव ऑफ कर सकता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आंसर इज यस बट सुओ मोटो नहीं करेगा उसके लिए एक एप्लीकेशन आनी चाहिए इन दैट केस फिर वो ये क्राइटेरिया पूरा वेव ऑफ कर सकता है एंड इट विल अलाउ द एप्लीकेशन टू बी फाइल अंडर सेक्शन 241. अगर जॉइंट मेंबर्स का केस है तो उसको एक ही काउंट किया जाएगा दो नहीं काउंट किए जाएंगे एंड सपोज uh, इस केस में जैसे हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा All don't need to go and file an application. बहुत हो जाएगी बाकी सारे अपना कंसेंट दे देंगे इन राइटिंग और एक जाके फॉर मेंबर्स एप्लीकेशन फाइल कर देगा ठीक है बस एक चीज का ध्यान रखना कंसेंट राइटिंग में होना चाहिए नहीं कि हाँ भाई हेलो फाइल कर दे भाई भाई मेरे नाम पे भी ना भाई, राइटिंग में दो ताकि कल को प्रूफ रहे क्लियर है बात नाउ वी विल टॉक अबाउट सर्टन केसेस की ऑपरेशन क्या होता है क्या नहीं होता सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको एलिजिबिलिटी अंडर सेक्शन 244 कब देखनी है जिस दिन आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो अंडर सेक्शन 241 क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी इंक्लूडेड है क्या मैंने ऊपर कहीं पे भी जल्दी से बताओ क्या मैंने ऊपर कहीं पे भी ये बोला कि इक्विटी शेयर होल्डर्स या इक्विटी मेंबर्स ना मैंने वर्ड यूज किया है मेंबर्स तो इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी इंक्लूडेड है इसके ऊपर एक सवाल आया हुआ है

म इज एंटर्ड एज नॉट इन द रजिस्टर ऑफ में बेनिफिशियल ओनर द रिकॉर्ड ऑफ डिपोजिटरी आज मेरे पास रिलायंस के शेयर है रिलायंस के एक्चुअल में रजिस्टर ऑफ में मेरा नाम नहीं है उसके रजिस्टर में एनएसडीएल का नाम है और एन एस डी एल के केस में एनएसडीएल के रजिस्टर में मेरा नाम है बिकॉज आई एम द बेनिफिशियल ओनर वन एटी सेवन में पढ़ा देती है बा क्लियर हाँ सर अब कुछ बातें पढ़ो अ पर्सन इज हुटल टू शेयर बट जिसका नाम रजिस्टर में नहीं है वो एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकता क्योंकि मैंने क्या बोला मेन फोकस रजिस्टर में नाम अ पर्सन जिसका नाम रजिस्टर में नहीं है लेकिन उसने डिक्री मतलब ऑफिशियल ऑर्डर ऑप्टेन कर लिया है फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर तो ठीक है भाई अब तू अलाउड है यू कैन गो एंड फाइल एन एप्लीकेशन क्योंकि तूने ये डिग्री ले ली है बाद में जाके मैंने शेयर बेच दिए एंड सर्टन एप्लीकेंट सीज टू बी देंबर्स स्टिल द एप्लीकेशन इज मेंबल उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंसेंटिंग में अपना दिमाग लगाना है देखो ऑपरेशन मिसमेनेजमेंट का केस बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है ये नहीं कि आप दोस्तों दोस्तों में हाँ यार हम मेंबर से काम करते हैं अप्लीकेशन फाइल कर देते हैं रिलीफ रिलीफ ठोक देंगे एलिगेशन ठोक देंगे ना यू हैव टू अप्लाई योर माइंड यू हैव टू अप्लाई योर माइंड वेन यू आर सीकिंग रिलीफ एंड वेन यू आर प्रेसिंग सम एलिगेशन ठीक है तो एलिगेशन और रिलीफ आप क्या मांग रहे हो अपना दिमाग लगाओ कंसेंट के अंदर ये दिखना चाहिए कि यू हैव अप्लाइड योर इंटेलिजेंट माइंड वरना कोर्ट आपका ट्रिब्यूनल आपका केस रिजेक्ट कर देगा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको कंसेंट कब देखना है यू हैव टू सी कंसेंट ऑफ अदर शेयर होल्डर्स क्योंकि एक जाके एप्लीकेशन फाइल करेगा दैट कंसेंट नीड्स टू बी सीन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स बाद में जाके कंसेंट विद्रॉ हो जाए इट शेड नॉट अफेक्ट द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द दिन केस लॉ नीड्स टू बी लर्न अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ राजा राजुंदी इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन सप्लाई कॉर्पोरेशन वर्सेस नागेश्वरा राव ध्यान रखना ये जो कंसेंट वाली बात और ये जो लिखा है हमने विथ रिस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटी वाली बात कि आपको एलिजिबिलिटी कब देखनी है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में आता है एलिजिबिलिटी वाली बात और वहां पे वो केस लॉ कोट कर देते हैं ना केस लॉ कोट करना है जब एलिजिबिलिटी नहीं कंसेंट के ऊपर ठीक है ना मिलता जुलता लगता है तो पेपर में गलती मत करना अब कुछ केसेस देखते हैं ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है या नहीं अगर एक एप्लीकेशन फाइल करी गई है ट्रिब्यूनल को एंड अ शेयर होल्डर हु इज आल्सो डायरेक्टर क्लेम करता है कि मुझे सैलरी एज अ डायरेक्टर नहीं मिली क्या ये ऑपरेशन है आंसर इज नो सर क्यों क्योंकि ऑपरेशन कसम खा लो सर ऑपरेशन नीड्स टू बी क्लेम्ड बाय अ मेंबर डायरेक्टर या क्रेडिटर कभी भी ऑपरेशन नहीं क्लेम करता मेंबर नीड्स टू क्लेम ऑपरेशन इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर सर समझ में नहीं आया

एक मेंबर को ऑपरेशन क्लेम करना है और ऑपरेशन क्लेम करना है इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर कि आप अपने एज अ मेंबर आपको कुछ दिक्कत है क्या नहीं इस केस में एज अ दिक्कत क्या है डायरेक्टर तो आई होप यू आर एबल टू अप्रिशिएट व्हेन आई से अ मेंबर नीड्स टू क्लेम ऑपरेशन इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर अगर एक मेंबर डायरेक्टर भी है और बोलता है डायरेक्टर की तरह सैलरी नहीं मिला ये ऑपरेशन नहीं है क्योंकि मेंबर तो क्लेम कर रहा है इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर क्लेम कर बिकॉज ही इज होल्डिंग बोथ पोजिशन I hope you are able to appreciate the point. Aage फेलियर टू डिक्लेयर डिविडेंट ऑपरेशन नहीं है केस लॉ लर्न करना है थॉमस वेटॉम वर्सेस उत्तर रबर कंपनी लिमिटेड सर फेलियर टू डिड आप डिक्लेयर करते हो मतलब इन शॉर्ट आप डिक्लेयर की जगह इसमें पहले हुआ होगा कि वो प्रपोज ही नहीं हुआ तो दिस इज अ कमर्शियल डिसीजन डिविडेंड पे करना चाहिए या हमें री इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा डिविडेंड नहीं मिला तो एक शेयर होल्डर जाके ये नहीं बोल सकता ऑपरेशन हुआ ऑपरेशन हुआ अच्छा एक शेयर होल्डर की डेथ हो गई उसका लीगल हेयर का नाम रजिस्टर में नहीं था क्या वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कर सकता है यार सिंपथेटिक व्यू लिया जाता है वेन अ पर्सन डाइज ठीक है नेक्स्ट वेर अ पर्सन विदाउट विदाउटेड एक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर विध और विदाउट नॉलेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी अब भैया ये तो इंटरनल मैनेजमेंट वाली बात है उनको पता होना चाहिए था कौन पर्सन एक्ट कर रहा है ये ऑपरेशन ऑपरेशन थोड़ी ना हुआ इस केस में का एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेंगे अच्छा वाइल क्लेमिंग रिलीफ फ्रॉम ट्रिब्यूनल कंटिन्यूस लॉसेज नॉट बी रिगार्डेड एज ऑपरेशन बाय इट सेल्फ पॉइंट टू बी फोकसड माई डियर स्टूडेंट्स बाय इट सेल्फ मतलब समझाओ ओके okay. एक कंपनी में नुकसान चल रहा है चार साल लॉस चल रहा है क्या ये अपने आप में ऑपरेशन है नहीं हमें देखना, देखो, आज में क्या रही है मतलब, फोकसिंग फैक्ट। सिर्फ, और सिर्फ अगर मैं ये बोलू कि भैया लॉस हो रहा है ये अकेला कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है ऑपरेशन का आप बताओ कुछ और रीजंस है क्या आप बोल रहे हो ये लॉस है तो उसके लॉस के पीछे कोई मेलाफाइड इंटेंशन है क्या तो मैं बोल दूंगा कि ठीक है ऑपरेशन माना जा सकता है सिर्फ अगर आप एप्लीकेशन बोलते हो और भाई ऑपरेशन हुआ हुआ सर कंपनी का लॉस ना बाय इट इज नॉट ऑपरेशन आप प्रूफ करो कि लॉसेस के पीछे इंटेंशन था था या कोई हार्श एंड ट्रीटमेंट तो हम बोलेंगे कि ठीक है मेंबर्स का लॉस हुआ है सिर्फ अपने आप में लॉस होना एक अकेला फैक्टर नहीं है टू तो डिटरमिन ऑपरेशन है यानी ये बोला अशोक बेटल कंपनी लिमिटेड वर्सेस एनके चंद्रकांत ठीक है आगे बढ़ते हैं अच्छा अब एक आ, मेंबर आया है वो मेंबर आपको बोल रहा है मैं इस केस का मतलब बता रहा हूं एक मेंबर ने आपको बोला कि सर आ, एक ऑपरेशन हुआ है उस आ, कोर्ट ने पूछा ऑपरेशन के क्या हुआ है मतलब व्हाट इज द एक्ट यू आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट तो उसने करा उसने बोला कि सर सर्टेन शेयर्स आर इशूड और उन शेयर्स इशू की वजह से मेरा ना वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था 10% वाला मैं उसके नीचे जा चुका हूं तो वो कह रहा है कि जिस केस में सिंपल सी बात वो ही इज नॉट बीइंग एलिजिबल

ज द एक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम बींग नॉट एलिजिबल अंडर टू फोर्टी फोर यही बात यहाँ पे लिखी गई है डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करी है? थीके? तो इस केस में एप्लीकेशन मेंटेनेबल होगा पेटिशनर शल बी एंटाइटल टू रिलीफ अच्छा रिक्वायरमेंट ऑफ शेयर होल्डिंग अप टू द प्रिस्क्राइड परसेंटेज मैडेटरी एंड उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए होते हैं एंड शेयर सर्टिफिकेट इज अ गुड एविडेंस टू डिटर्मिन वेदर पर्सन इज अ में अच्छा ये वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी यू हैव टू फोकस ऑन इशुड शेयर कैपिटल नॉट पेड अप और सब्सक्राइब कुछ और एग्जांपल्स मीयर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एमोम मेंबर्स सेल्स रिजल्टिंग इन सर्टेन एक्ट्स ऑफ कैन नॉट बी हेल्ड एज ऑपरेव से पर से मतलब सिर्फ इस फैक्ट की वजह से है कि कॉन्फिडेंस नहीं था और उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो गई मेंबर्स को आपस में एक दूसरे में कॉन्फिडेंस नहीं था और कुछ एक्ट्स हो गए वो ऑपरेशन नहीं है आप प्रूव करो कि बाकी ऑपरेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या कि मेंबर के अगेंस्ट होना चाहिए कंटिन्यूअस एक्ट होने चाहिए ये नीचे आने वाले हैं वो अगर हो जाता है देन वी विल अलाउ द केस ऑफ ऑपरेशन ठीक है सो अ केस ऑफ ऑपरेशनशियटिंग ऑफ द कंपनी एंड इट्स में शेयर होल्डर्स एंड एन अज ऑफ एक्शन टू अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट तो आपको कहीं पे भी अगर ऑपरेशन का बेसिक्स जानने हैं तो जो हमने टू फोर्टी वन में पढ़े वो आपको दिमाग में रखने हैं क्या कि सर ये ये हो रहा है या नहीं हो रहा है प्री हो रहा है या नहीं हो रहा है अगेंस्ट कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट मेंबर्स ये हमारा मेन बुनियाद है फॉरन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन टू फोर्टी वन अच्छा मैटर ऑफ सिलेक्शन एंड मैटर द मैटर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द डीलर्स ऑफ द प्रोडक्ट प्रोडक्ट भैया कंपनी के के डीलर कौन रहेंगे ये ये कंपनी का बिजनेस डिसीजन है ऑपरेशन कैसे है ये तो रोज के कमर्शियल डिसीजन से ये टू फोर्टी वन में नहीं आएंगे ठीक है कंपनी के बैंक अकाउंट कहा खोलने हैं कंपनी के बैंक अकाउंट के सिग्नेटरी कौन रहेंगे अगेन दिस इज अ बिजनेस इंटरनल डिसीजन इंटरनल मैनेजमेंट का डिसीजन है कमर्शियल डिसीजन है ये ऑपरेशन नहीं है

ट of of company. Company no. कहेगी कि आप बोल रहे हो ऑपरेशन है ऑपरेशन है लेकिन ऑपरेशन प्रूफ करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपको बोर्ड दे नहीं रहा है तो कोर्ट का काम नहीं है क्या कि वो बीच में आए

हमें देखना पड़ेगा वेदर इट इज एक्सरसाइज बोनाफाइड इन दंपनी एंड इट शुड नॉट बी बेनिफिटिंग एनी डायरेक्टर और एनी अदर ग्रुप क्यू क्यूकी सर डायरेक्टर पोजिशन विदनी एंड मस्ट एक्सरसाइज दर पॉलर टू इशू शेयर फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी ठीक है इफ दिस पॉवर इज एक्सरसाइज सोनली फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट देन द ट्रिब्यूनल में इंटरफेयर एंड दे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस अलाउ करके इट विल प्रिवेंट द डायरेक्टर्स फ्रॉम डूइंग सो एंड द एक्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स बाय डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग मेजोरिटी इन टू माइनॉरिटी ग्रेव एक्ट ऑफ ऑपरेशन सर मतलब सिंपल सी बात बताओ कि अगर शेयर्स इशू करवाए जा रहे हैं तो आपको देखना है कि क्या कंपनी को नीड है फंड्स की अगर कंपनी को नीड है फंड्स की तो इस केस में ये बोनाफाइड मैनर है इसमें कोई दिक्कत नहीं है दिस इज नॉट अ केस ऑफ ऑपरेशन लेकिन अगर कंपनी शेयर्स इशू कर रही है मेजोरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने में या किसी डायरेक्टर का पर्सनल बेनिफिट लेने में या कुछ भी मैलाफाइड इंटरेस्ट में काम करने के लिए इन दैट केस दिस इज अ केस ऑफ ऑपरेशन क्लियर कुछ और बातें ध्यान दें दो ऑपरेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैं कहूंगा इन पूरे सारे एग्जांपल्स में से यहां पे आपको सबसे अच्छा समझ आएगा कि ऑपरेशन क्या है और ये आपके पेपर में कीवर्ड्स जाने चाहिए ऑपरेशन कंप्लेट ऑफ मस्ट अफेक्ट पर्सन इन इज कैपेसिटी और कैरेक्टर एज अ द कंपनी हार्श और अनफेयर ट्रीटमेंट इन एनी अदर कैपेसिटी मैंने स्टार्ट में बोला था एनी अदर कैपेसिटी फॉर एग्जांपल डायरेक्टर और क्रेडिटर इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ दिस चैप्टर राव वर्सेस राजेश्वरी रामाकृष्णन ठीक है नेक्स्ट अ पर्सन रिमूव फ्रॉम डायरेक्टरशिप अंडर वन सिक्सटी क्या है सर डायरेक्टर डायरेक्टर की पोजिशन इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ दिस चैप्टर वो नो ऑपरेशन ट्स एंड इंटरेस्ट एज द मेंल बी कंसिड एंड नॉट इन रिलेशन टू एनी कमर्शियल रिलेशन दट में कंपनी मैंने अभी बताया था आपको एग्जाम्पल एक मेंबर है जो डायरेक्टर भी है तो उस केस में उसका कमर्शियल रिलेशन डायरेक्टर की तरह अफेक्ट हो रहा था एज अ में सो ऑपरेशन शुड इंपैक्ट अ मेंबर इन द कैपेसिटी ऑफ अ मेंबर एक्ट शुड बी ऑफ कंटिन्यूअस नेचर हार्श बर्ड एंड सम्रीटमेंट शुड अफेक्ट हिम एज अ मेंसरसाइज ऑफ एनी स्टेट्यूटरी पावर इज नॉट ऑपरेशन ऑब्वियसली अगर कोई लॉ के अंदर पावर दिए तो वो ऑपरेशन नहीं है

द पर्सन कंसर्न विदमेंट शुड बी गिल्टी ऑफ फ्रॉड मिस पर्स टूवर्ड्स और एटलीस्ट इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ लैक ऑफ प्रोबर्टी एंड फेयर डीलिंग टू मेंबर्स इन हिज प्रोप्राइटरी राइट एज अ शेयर होल्डर तो अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें से जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला देन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल रिलेशन स्टेटरी पावर ये वाला और ये वाला ये तीन पॉइंट्स तो आपको पेपर में लिखने ही लिखने हैं व्हेन यू आंसर एनी क्वेश्चन ऑन ऑपरेशन तुम यही मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है देखो टिपिकल फीचर्स फॉर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट टिपिकल फीचर्स क्या क्या आएंगे इट नीड्स टू हैपन टू अ मेंबर इन हिज कैपेसिटी एज अ शेयर होल्डर मतलब इन हिज कैपेसिटी ऑफ अ मेंबर कंटिन्यूस एक्ट होना चाहिए द वन यू आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट अनलेस इट हैज अ परमानेंट इंपैक्ट एंड दैट पर्टिकुलर एक्ट शुड बी हार्श बर्डनसम इट इन्वॉल्व्स लैक ऑफ प्रॉबिटी एंड लैक ऑफ फेयर डीलिंग डिपार्चर फ्रॉम फेयर डीलिंग ये आपके कुछ की पे है जो आपको तीनों मार्क कराए तीनों आपके पेपर में आने चाहिए यू आंसर एनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट अच्छा सर फैमिली कंपनी के, के केस में एक छोटी सी बातें समझ लो फैमिली कंपनी क्या होती है भाई बहनों ने कंपनी स्टार्ट करी है एज अ क्वासी पार्टनरशिप मतलब म्यूचुअल कॉन्फिडेंस के साथ तो उस केस में रिमूवल ऑफ डायरेक्टर वन सिक्सटी नाइन नॉर्मल केस में मैंने क्या बोला कि रिमूवल ऑफ डायरेक्टर इज नॉट ऑपरेशन लेकिन सर अगर फैमिली कंपनी बना रखी है तो फिर डायरेक्टर को क्यों निकाल रहे हो तो क्योंकि आप म्यूचुअल कॉन्फिडेंस के साथ फैमिली फैमिली की तरह चलाने वाले थे कंपनी सो रिगार्डलेस दै डिजास्ट इट अमाउंट टू ऑपरेशन लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आप कभी भी वन सिक्सटी नाइन यूज नहीं कर सकते हम आगे ये भी लिख देंगे कि अगर कंपनी के पास एक प्रॉपर रीजन है कि यार एक बंद फैमिली का एक्चुअल में गलत काम कर रहा है तो आप वन सिक्सटी नाइन यूज कर लो हैंस इन कंक्लूजन वी है स इन केस ऑफ एंपनी ओके नेक्स्ट अपॉइंटिंग एडिशनल डायरेक्टर्स इनपनी टू मार्जिनलाइज दिटी ग्रुप मेरी फैमिली और मेरे ब्रदर की फैमिली और मैं डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहा हूँ एडिशनल अंडर वन सिक्स वन जस्ट टू मार्जिनलाइज दैट पर्टिकुलर फैमिलीज ऑथॉरिटी वो गलत है वो चीज गलत है ऑपरेशन है इन अ फैमिली कंपनी एनी चेंज इन शेयर होल्डिंग विदाउट म्यूचुअल एग्रीमेंट अट्स एन ऑपरेशन क्यू क्योंकि सर आपने तो फैमिली कंपनी की तरह स्टार्ट किया था आप फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट के बिना आप शेयर क्यों इशू करवा रहे हो फिर दूसरे को ऑपरेशन हो जाएगा ना यस सर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड अपसेटिंग द बैलेंस इन द बोर्ड वन टू ग्रुप्स वर इक्वली रिप्रेजेंटेड इट इज ऑपरेशन इफ वन ग्रुप इज रिड्यूस टू माइंड अगेन एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन हुआ था मेरी फैमिली के चार मेरे ब्रदर की फैमिली के चार और फिर मैं डायरेक्टर्स वगैरह अपॉइंट करता हूं अपसेट कर देता हूँ बैलेंस ताकि पावर का खेल है सारा सर फिर उस केस में फिर ऑपरेशन है

क्लियर नेक्स्ट इशुइंग शेयर फॉर रिक्वायर ऑफ अ कंपनी इज नॉट ऑपरेशन मेयरली बिकॉज माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स फॉर रिक्वायर टू मेक सक्सल पेमेंट्स अगेन मेरा फोकस क्या है सर फर्दर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी था तो कंपनी को नीड थी पैसों की शेयर इशू करने पड़े ओके okay. इंक्रीज इन कैपिटल टू सिक्योर इंक्रीज इन वोटिंग स्ट्रेंथ बाई इंक्रीजिंग द होल्डिंग ऑफ वन ग्रुप वेन देर वॉज नो नीड ऑफ फंड फोकस किस पे कि कंपनी को पैसों की जरूरत नहीं है तो आपने शेयर्स इशू क्यों करें इसका मतलब आपका मैले पर इंटेंशन है क्या टू इंक्रीज इन द वोटिंग स्ट्रेंथ बाई इंक्रीज इंग द होल्डिंग ऑफ वन उस केस में फिर ऑपरेशन है तो आपको फैमिली कंपनी में देखना है सर फंड्स की जरूरत थी या नहीं थी मतलब बोनाफाइड था या नहीं था बोनाफाइड था या नहीं था ठीक है एक इसमें केस लॉ का नाम दिया हुआ है जस्ट एक आप रेफरेंस के लिए इसको लर्न कर सकते हो आपके मटेरियल में है ये इंग्लिश केस लॉ था लॉर्ड कूपर इन द स्कॉटिश केस एल्डर वर्सेस एल्डर एंड एंडसन जो इंडिया में भी यूज किया गया था बाय वंचू जे ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ शांति प्रसाद जैन वर्सेज कलिंगा ट्यूब्स और इसके अंदर जो बातें लिखी गई है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हूँ ये आपको एज इट इज लर्न करनी है ये जो पैराग्राफ है ये ऊपर वाले तीन पॉइंट्स ही है तो आपको हर एक क्वेश्चन में एज एन आंसर में आपकी ये चीज आनी क्लियर अच्छा सर मेजोरिटी रिलीफ क्लेम कर सकती है क्या टू फोर्टी वन में सुनने में तो नहीं लगता सर सुनने में डाउट आ रहा है सर majority को माइनॉरिटी कैसे कर सकती है माइनॉरिटी को कैसे कर कर सकती है? सर, कर सकती है है सर व्हेन माइनॉरिटी पीपल आर मे बी वेरी पावरफुल पॉलिटिक्स के लोग इट इज एनीथिंग फिजिकल फोर्स यूज कर रही है पैरेलल बोर्ड मीटिंग्स चला रही है या मेजॉरिटी इंडिया में नहीं है या कहीं बाहर गए हुए और माइनॉरिटी ने कुछ गड़बड़ कर दी ऐसे केसेस में माइनॉरिटी कैन ऑपरेस मेजोरिटी सेक्शन so नंबर 241 में जब हमने बात करी एलिजिबिलिटी अंडर 244 तो क्या 244 में मैंने कहीं पे भी ये बोला कि दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ना वहां पे मैंने बस बोला कि मिनिमम इतने इतने चाहिए तो इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट मेजॉरिटी कैन आल्सो क्लेम एन ऑपरेशन अंडर दिस पर्टिकुलर चैप्टर ठीक है सो टू फोर्टी रिक्वायर्स दैट एप्लीकेशन फॉर क्लेमिंग रिलीफ फ्रॉम ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट कैन ओनली बी मेड बाय माइनॉरिटी शेयर होल्डर जनरली केस माइनॉरिटी का ही बनता है लेकिन ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी कभी कर ही नहीं सकता वही चीज मैंने आप दे रखी है इज नो अपर सेक्शन नंबर टू फोर्टी टू पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल कहानी कहां तक आ चुकी है एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है ट्रिब्यूनल के पास एंड वी हैव लर्न अबाउट द केसेस वेर ऑपरेशन होता है और नहीं होता है नाउ पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल सब सेक्शन टू कंडीशंस दैट नीड टू बी सेट फुलफिल्ड फॉर द ट्रिब्यूनल टू पास एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन मतलब अगर ये दोनों कंडीशन कंडीशंस जो मैं आपको बताऊंगा ए और बी इफ दीस आर फुलफिल्ड क्यूमुलेटिवली मतलब दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए वर्ड है एंड नॉट और तो ही ट्रिब्यूनल आगे ऑर्डर पास करेगा वरना नहीं तो पढ़ो एक ऑन एन एप्लीकेशन अंडर 241 ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन पहली वाली तो वही जो हमने केस फाइल किया था जिसके बेसिस पे कि यस द कंपनीड इन अ मैनर प्री जुडिशियल और ऑपरेसिव टू द मेंबर्स और मेंबर और पब्लिक इंटरेस्ट और कंपनी एंड पहले वाले में तो दिक्कत नहीं आती क्योंकि पहले वाला तो केस का ग्राउंड था कि प्रीजुडिशियल हो रहा है एंड पढ़ो दैट टू वैंडम द कंपनी वुड अनफेयरली प्रेजुडिस सच मेंबर और मेंबर्स बट अरवाइज द फैक्ट वुड जस्टिफाई द मेकिंग ऑफ वाइंडिंग अपडर ऑन द ग्राउंड दट इट वॉज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड भी वाइंड अपर इस चीज का इंटरप्रटेशन ध्यान से समझ लेना ये केस जो है ये जो केस बन रहा है ये वाला दिस केस कॉल्स फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी मतलब जो ये प्रीजुडिशल किया जा रहा है ये केस ऐसा बन चुका है सरकम चांसेस ऐसे बन चुके हैं कि जस्ट एंड इक्विटेबल प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड्स फॉर एप्लीकेशन जो मैं वाइंडिंगअप में पढ़ाऊंगा तो ये केस ऐसा है कि वाइंडिंग अप होना चाहिए ऑन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड लेकिन अगर वाइंडिंग अप ऑर्डर हो जाता है देन इट वुड अनफेयरली प्रेजुडिस सच मेंबर और मेंबर्स जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी या जिनके अगेंस्ट प्रीजुडिशल किया जा रहा है प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी वेरी प्रॉपरली कि वाइंडिंग अप का केस बनता है

ओके okay, नाउ क्या क्या ऑर्डर पास कर सकते हैं ये जनरलाइज लिस्ट है कि कंडक्ट ऑफ अफेयर्स के लिए परचेज ऑफ शेयर्स एक दूसरे के शेयर्स परचेज करवा देंगे कंपनी से बायबैक करवा देंगे या फिर टर्मिनेशन सेटिंग असाइड और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एग्रीमेंट हाउ सो एवर अराइव बिटवीन द कंपनी एंड इट्स एम डायरेक्टर और मैनेजर अपॉन सर्च टर्म्स एंड कंडीशन एज इन ओपिनियन इन दिन ऑफ द ट्रिमिनल बी जस्ट एंड इक्विटेबल इन द सर्कमस्टांस द केस तो ये एक इंपॉर्टेंट है दूसरा टर्मिनेशन सेटिंग असाइड और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड एनी पर्सन अदर देन दोफर इन अबाउट केस मतलब एमडी डायरेक्टर और मैनेजर को छोड़ के अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन या सेटिंग असाइड करवानी है एग्रीमेंट की तो उस केस में आपको उस पार्टी को ड्यू नोटिस देनी है आपको मतलब ट्रिब्यूनल विल गिव अ ड्यू नोटिस एंड ऑप्टेन द कंसेंट ऑफ दैट पार्टी इस केस में कंसेंट और ड्यू नोटिस की जरूरत नहीं है सेटिंग असाइड ऑफ एनी ट्रांसफर डिलीवरी ऑफ गुड्स पेमेंट एक्सिक्यूशन और एनी अदर एक्ट रिलेटिंग टू द द प्रॉपर्टी मेड और और डन बाय अगेंस्ट कंपनी लेकिन ये नहीं कि आप सर एक साल पुराने ट्रांसफर और एक साल पुरानी पेमेंट को सेट असाइड करवाओ नहीं इट शुड बी डन विद इन थ्री मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन मतलब जब आप 241 वाली एप्लीकेशन फाइल करते हो उससे तीन महीने पहले वाले जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है पेमेंट है उसको आप सेट असाइड करवा सकते हो क्लियर है बात अच्छा

हम यहां पे इस वाले एक, इस वाले क्लॉज का यूज करके ट्रांसफर और पेमेंट को सेटिसाइड -सेट करवा सकते हैं बाकी फिर जनरल है यहां पे एमडी डायरेक्टर मैनेजर का रिमूवल किया जा रहा है मतलब तो ऊपर वाले में एग्रीमेंट था तो वो चेंज किया जा रहा था यहां पे डायरेक्ट रिमूवल हो रहा है बाकी uh, वगैरह करें उसकी रिकवरी करना मैनर इन विच आपका एमडीए मैनेजर कैसे अपॉइंट किया जाएगा एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एनी सच नंबर एनसीएल मैटर्स एज द ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट और इट मे इम्पोज कॉस्ट और एनी अदर मैटर एक चीज का ध्यान रखना ट्रिब्यूनल अगर यहाँ पे कोई डायरेक्टर अपॉइंट करता है क्या उसको आप 169 में रिमूव कर सकते हो <laughs>

क्शन है तो वो मैं आपको पहले बता रहा हूं एंड देन वी विल कंटिन्यू विदेंस सेक्शन टू ओके टू फोर्टी थ्री कॉन्सिक्वेंस ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टन एग्रीमेंट्स टू फोर्टी टू में जब आपने एम डी डायरेक्टर मैनेजर के साथ

पांच साल के अंदर अंडर अगर होना है तो ट्रिब्यूनल का आपको परमिशन चाहिए ट्रिब्यूनल परमिशन देने से पहले सीजी के पास भी उस इंटेंशन इंटेंशन की की कॉपी कॉपी एक नोटिस ऑफ टू अप्लाई फॉर लीव करी जाएगी और सीजी को अपॉर्चुनिटी ऑफ दी जाएगी रीजनेबल क्लियर अब इफ द पर्सन अब ये ये था केस ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट वाला ठीक है अब बात कर रहे हैं इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज स्पेसिफिकली रिकॉर्डेड एज नॉट फिट एंड प्रॉपर तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस रहेंगे तो पढ़ो दैट पर्सन

जब मैंने बात करी ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की और बोला कि जब मेरा एग्रीमेंट सेट असाइड वगैरह किया जा रहा है तो डिसक्वालिफिकेशन हो रही है दैट कंपनी में लेकिन सर बंदे में अगर दिक्कत आ चुकी है फिट एंड प्रॉपर ही नहीं है तो उस कंपनी क्या किसी भी कंपनी में पांच साल तक वो अपॉइंट नहीं हो सकता अनलेस इज अलाउड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर ग्रांटिंग एनी डिसीजन इट मे विद द लीव ऑफ क्रिमिनल

क्लियर है बात अच्छा अब बैलेंस कर लेते हैं टू फोर्टी थ्री लिंक करा दिया था पहले सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द नीड्स टू बी फाइल विदिन थर्टी डेज ऑब्वियस बात है आरओसी के पास आप जाके फाइल करोगे अच्छा हो सकता है इस केस में द ट्रिब्यूनल में गो फॉर एन इंटरिम ऑर्डर ठीक है द ट्रिब्यूनल में ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी

लेट्स प्रोसीड है सेक्शन नंबर आज खासी हो रही है। कोई बात नहीं रिविजन नहीं रोकेंगे आगे बढ़ेंगे सेक्शन नंबर टू क्लॉ सेक्शन नंबर टू फोर्टी फाइव क्लास एक्शन सूट प्लीज समझो बेसिक क्लास एक्शन होता क्या है एक बहुत बड़ा मैटर है जिसके अंदर जो जिनके ग्रीवियंसेस है ना वो बहुत सारे है बहुत सारे ऐसा नहीं कि एक या दो या दस या सौ से बहुत सारे है बहुत सारे मतलब वो एक क्लास बन चुका है। बहुत सारे सिमिलर लोग हैं सिमिलर क्यों सर सबके सब के कुछ कंप्लेन आ रही है बैंकिंग so कंपनी uh, रखना एमसीक्यू में पकड़ सकते हैं बेसिक प्रोविजंस पढ़ते हैं एलिजिबल या डायरेक्टर्स का एक ओपिनियन बन रहा है कि अफेयर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड हैव नहीं लिखा है कंडक्टेड इन अ मैनर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी मेंबर्स और डिपॉजिटर्स आई होप यू आर एबल टू स्पॉट द पॉइंट कि यहां पे पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है ठीक है यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है ओके दे मे फाइल एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स डिपॉजिटिंग जो भी मेंबर्स और डिपॉजिटर्स है सीकिंग ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर क्या रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम एक्टिंग कमिटिंग एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स और मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी मतलब आप उन कंपनी को रोक रहे हो कि आप ऐसा कोई काम मत करो विच इज अगेंस्ट द आर्टिकल और मेमोरेंडम रिस्ट्रेन द्रॉम कमिटिंग ब्रीच ऑफ द कंपनील मतलब इन शॉर्ट कंपनी को बोल रहे आपने गलत गलत फैक्ट्स बता के सपरेशन करके कोई आर्टिकल और मेमोरेंडम का अमेंडमेंट करा दिया है ठीक है और उस रिजोल्यूशन को उस रिजोल्यूशन को वो कह रहे हैं अपने रिलीफ के अंडर ट्रिब्यूनल को बोल रहे हैं उस रिजोल्यूशन को प्लीज आप वाइट डिक्लेयर करिए क्यों बिकॉज इट हैज हैजिन पासड विथ सपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स और मिस स्टेटमेंट्स रिस्ट्रेन द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स फ्रॉम एक्टिंग ऑन सच रिजोल्यूशन सच मतलब ये वाला जो गलत तरीके से पास हुआ है सी रिस्ट्रेन एन एक्ट कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फ्रॉम फोर्स मतलब आप बोल रहे हो कि कंपनी को रोकना है टू डू एनी एक्ट इज कॉन्ट्ररी मतलब गोइंग अगेंस्ट द कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ एफ रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम टेकिंग एन एक्शन कॉन्ट्ररी टू एनी रेजोल्यूशन पास बाय द मेंबर्स मतलब मेंबर्स कुछ और चाह रहे हैं और डायरेक्टर्स कुछ और कर रहे हैं तो ऐसे नहीं चलेगा मेंबर्स ने कुछ बोला है उसको फॉलो करें एनी अदर रेमेडी एज द ट्रिब्यूनल में डीम फिट एंड क्लेम डैमेजेस और कंपेंसेशन और डिमांड एनी सुटेबल एक्शन फ्रॉम और अगेंस्ट मतलब आप पैसा क्लेम करो या एक्शन क्लेम करो किससे कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स कंपनी और उसके डायरेक्टर्स जो भी इन्वॉल्व इन दिस फ्रॉड या इन दिस अनलॉफुल एक्ट ऑडिटर इंक्लूडिंग द ऑडिट फर्म ऑफ द कंपनी जिसने भी इम प्रॉपर या मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं इन द ऑडिट रिपोर्ट या एनी अदर फ्रॉडुलेंट काम किया है एंड थर्ड थर्ड एनी एक्सपर्ट एडवाइजर और कंसल्टेंट और एनी अदर पर्सन फॉर एनी इनकरेक्ट मिसलीडिंग स्टेटमेंट मेड टू the कंपनी या एनी fraudulent unlawful wrongful एक्ट और एनी लाइकली एक्ट टू कंडक्ट ऑन हिस पार्ट मतलब बेसिकली कंपनी कंपनी के ऑडिटर और कंपनी के कोई एक्सपर्ट एडवाइजर या कंसल्टेंट जो थर्ड पार्टीज हैं इन्होंने जो गलत काम किया जो गलत स्टेटमेंट दिया उनके अगेंस्ट हमें उनसे कंपनसेशन चाहिए या उनसे कोई एक्शन चाहिए

लिस्ट क्या हंड्रेड मेंसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ में मिनिमम फाइव परसेंट ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल तो पांच से परसेंटेज अपने को नीचे करना पड़ेगा टू परसेंट ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल क्लियर है बात तो ये लिस्ट आपको पकड़ना है एंड इफ कंपनी डज नॉट डिपॉजिटर्स के केस में <laughs>

प्लीज नोट दैट इज इन टू फोर्टी को बट ये वहाँ पे भी है. क्लियर है बात पे ऑफ की बात नहीं है ठीक है? है. पे वेव की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं. सॉरी फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंसीडरिंग एन एप्लीकेशन हो टू फोर्टी फाइव की एंड आई होप आपको क्लियर आ रहा है थोड़ा सा

While making an application for seeking an order under 245 दे आर प्रोवाइडिंग एनी एविडेंस रिगार्डिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी पर्सन अदर देन डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मतलब वो कह रहे हैं कि कंपनी का जो ऑडिटर है वो भी इन्वॉल्व है तो उसका कोई एविडेंस है क्या कंपनी का कंसल्टेंट इन्वॉल्व है कोई एविडेंस है क्या क्योंकि डायरेक्टर और ऑफिसर तो इन्वॉल्व रहेंगे ही उसमें हमें नहीं चाहिए। वेदर ऑफ एक्शन दिस सेक्शन 245 में हमसे ऑर्डर लेने की जगह ट्रिब्यूनल से ऑर्डर लेने की जगह क्या वो अपने आप से इसको सीक कर सकता है किसी और सेक्शन में ओके वेदर एनी एविडेंस बिफोर इट एज टू व्यूज ऑफ द दे डू नॉट पर्सनल इंटरेस्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन द मैटर मतलब कहीं आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट आप मेंबर डिपॉजिटर <coughs> और आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन दिस मैटर पता चले इस कंपनी के अगेंस्ट क्लास एक्शन हो रहा है तो आपको किसी तरीके से फायदा मिल रहा है तो वो भी हम देखेंगे वेदर द कॉज ऑफ एक्शन इज एन एक्ट और ओमिशन आप जो कंप्लेन कर रहे हो कि कुछ करने वाली है या कुछ ओमिशन है या हो चुका है अगर वो होने वाला है इफ इट इज येट टू ऑकर देन वेदर दैट एक्ट और ओमिशन

तो उसके बाद फाइनल स्टेप्स क्या लेगा सबसे पहले एक पब्लिक नोटिस सर बी सर्व ठीक है ऑन एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन टू ऑल द मेंबर्स एंड डिपॉजिटर्स ऑफ द क्लास इन द मैनर प्रिस्क्राइब ऑल द सिमिलर ऑलरिकेशन उस कॉस्ट के रिस्पेक्ट में अलग अलग एप्लीकेशन अगर फाइल हुए हैं उन सबको हम क्लब कर देंगे कॉन्सोलिडेट कर देंगे इन अ सिंगल एप्लीकेशन एंड वी विल डिसाइड अ लीड एप्लीकेंट सर लीड एप्लीकेंट मतलब ही इज इन चार्ज ऑफ द प्रोसीडिंग ठीक है सो दैट लीड एप्लीकेंट इज चूजन बाय द क्लास ऑफ और डिपॉजिटर्स एंड अगर वो चूज नहीं कर पाते तो फिर इन दैट केस ट्रिब्यूनल करेगा अगर उनका नहीं आ पाता तो ट्रिब्यूनल रहेगा सबको एक साथ लेना तो उस कॉस के लिए एक ही क्लास एक्शन सूट होगा एंड जो भी खर्चे होंगे पैसा पे करते हैं उनको रिमबर्समेंट मिलेगी

ये वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दी है अ बैंकिंग जो अफेक्टेड पर्सन है हो सकता है वो खुद एप्लीकेशन फाइल करे उनके बिहार करे जैसे एडवोकेट वगैरह क्लियर 246 को छोड़ भी सकते हो थ्री थर्टी टू 341 ये एज इट इज यहाँ पे लग जाते हैं का करके orders दे सकता है और पेनल्टीज लगा सकता है तो दिस वॉज ऑल लास्ट में थोड़ी सी खांसी शुरू हो गई है बच्चों का टू फोर्टी वन वर्सेज टू फोर्टी फाइव ध्यान रखना यहाँ पे डिपॉजिटर्स भी इन्वॉल्व है और ध्यान रखना यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट पे फोकस नहीं है बस ये दोनों बातें आप समझ लो क्वेश्चन में हमें ऐसा लगेगा क्या कि कंफ्यूजन हो रही है टू फोर्टी वन क्या है टू फोर्टी फाइव क्या है? बिल्कुल भी नहीं ट्रस्ट मी ऑन दैट क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको हिंट मिल जाएगा कि 241 की तरफ बात जा या टू फोर्टी फाइव की तरफ ये दो फैक्टर्स मैंने आपको फिर भी बता दिए ठीक है पब्लिक इंटरेस्ट यहां पे नहीं कसिडर किया जाता और डिपॉजिटर्स यहाँ पे आते हैं क्लियर है <coughs> आज पता नहीं क्या हो गया कोई बात नहीं सो दिस वॉज ऑल फॉर अवर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट कल हम वाइंडिंग अप के चैप्टर्स करेंगे वाइंडिंग uh, अप के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम ओरिएटेड हाईली एग्जाम ओरिएटेड ठीक है स्पेसिफिक स्पेसिफिक वो हम कल बात करेंगे इसके बारे में एंड आई होप आपकी रिविजन प्रॉपर चल रही है एंड टिल बी मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑल द वेरी बेस्ट स्टडी वेल टेक केयर बी सेफ बाय बाय